हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का स्पेसिफिकली हमारे यहाँ सम हाव अनफॉर्चुनेटली वाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग और गोरे रंग का काफ़ी ज़्यादा शौक uh, भी है क्रेज भी है और लोग इसके बारे में हमें क्वेश्चंस भी बात करते हैं तो uh, जो मेडिकल और एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर रहते हुए उसकी डोमेन में रहते हुए जो सोलूशनस हैं वो मैं डेफिनेटली अपने जो uh, क्लाइंट्स हैं उनको ऑफर करती हूँ अब इसमें दो तीन ऑप्शनस हैं आ, सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे तो सबको ये पता है कि ये ग्लूटथाइन के इंजेक्शन होते हैं और इनमें डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ हैं कुछ यूरोपियन हैं कुछ अमेरिकन हैं कुछ इटालियन हैं कुछ कोरियन और चाइनीज़ भी कुछ जगहों पे लग रहे हैं तो जितना अच्छा ब्रांड होगा जितनी अच्छी आ, उसकी क्वालिटी होगी मैन्युफैक्चरिंग की उसके साथ हमें जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो हमें कुछ और चीज़ें भी देते हैं जो हम आपकी जो वाइटनिंग ड्रिप होती है उसमें ऐड करते हैं यानी मेरे पास जो स्विट्ज़रलैंड्स के इंजेक्शन आ रहे हैं उनमें हमें साथ विटामिन सी दिया जाता है इसके अलावा कुछ फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं जिससे स्किन के अंदर रीजुविनेशन होती है आ, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन से रिलेटेड काफ़ी कुछ फियर्स भी लोगों के होते हैं जब क्लाइंट्स कॉल करते हैं कि इससे हमारे लिवर को डैमेज तो नहीं हो जाएगा या हमें कोई इसका नुकसान तो नहीं है तो प्राइमरिली हम इसके लिए वैसे तो हिस्ट्री लेते हैं हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन करते हैं राइट right, क्लाइंट का इंतखब करना बहुत ज़रूरी है प्लस हम एल और आर आपके पहले रीनल और किडनी फंक्शन को और साथ लिवर फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि आपकी वो फंक्शनिंग कैसी जा रही है अच्छा अब इसका एक और बड़ा फ्रीक्वेंट जो फीडबैक मुझे मिलता है फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स जो डिफरेंट सेटअप से डिफरेंट डॉक्टर्स के पास से आ रहे होते हैं सारे डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्टेबल हैं अपने अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट कोशिश करता है हर डॉक्टर के उनको सबसे अच्छी सर्विसेज दी जाए लेकिन मैंने ये सुना है कि जी हमने उन वहाँ से लगवाया फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ से लगवाया इन इस डोमेन में, में मेरा एक अपनी एक ऑब्ज़रवेशन है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि क्लाइंट्स जो हैं वो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन अगर एक क्लिनिक से लगवाते हैं उसके बाद तीन चार महीने का गैप आ गया फिर कहीं और से कोई और ब्रांड चूज़ कर लिया फिर उसको लगवा लिया इस तरीके से ग्लूटाथायोन डजन वर्क डजन ग्लूटाथायोन से अगर आपको वाकई ही सही में अफेक्ट चाहिए तो आपको आ, मैंने एक अपने क्लिनिक पर तरीक़ा बनाया है कि वही सेल इट लाइक इन अ पैकेज मैन यू टेक ट्वेल्व या फिफ्टीन इंजेक्शन का या टेन इंजेक्शनस का पैकेज लेते हैं तो हम उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी ऑफ़र करते हैं ताकि आप उसको कॉन्टीन्यूटी से लगवाएँ आपको जिस तरह हम प्रस्क्राइब करें कि आपने वंस मंथली लगवाना है या जिस तरह से आपके टेस्ट रिकमेंड करने हैं बीच में तो आप भी बाउंड हो जाएंगे और आपको फिर प्रॉपर रिजल्ट्स भी मिलेंगे लेकिन जब आप अपनी बिहाफ पे अपनी मर्जी से ब्रांड्स भी चेंज करते रहते हैं और सेटअप्स भी चेंज करते रहते हैं और ड्यूरेशन भी कोई फ़िक्स नहीं होती तो उस तरह से लोटथाइन खाने का भी कोई ख़ास अफेक्ट नहीं है और लगवाने का भी अफेक्ट नहीं है एक और सवाल ये होता है कि जी हम लोटथाइन की टैबलेट्स ले रहे हैं और टैबलेट्स लेने की वजह से आ, हमें लेटर और सोनर अफेक्ट आएगा तो टैबलेट डॉक्टर साहब बेहतर हैं या इंजेक्शंस बेहतर हैं तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जब आप आ, इंट्रा इंट्रावीनस देते हैं आईवी लाइन के थ्रू देते हैं तो आपका जो इंजेक्शन है उसके एब्जॉपशन जो है वो आपके सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर वन थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा हो जाती है जो औरल मेडिकेशन है उसकी जो रीच इन द बॉडी टिश्यूज़ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है तो इफ़ यू आस्क मी फॉर माय क्लाइंट तो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर टू गो फॉर आ आईवी ड्रिप रादर देन एन ओरल मेडिकेशन तो ग्रटेथायजेक्शन बुनियादी तौर पे क्या हैं और ये कहाँ यूज़ होते रहे हैं ये भी इसका बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी सारी मैंने बातें सुनी हैं पेशेंट से क्लाइंट से जो उनको परेशान करती हैं ये बुनियादी तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन की इंजेक्शंस हैं जो आपको पता है बाहर के ममालिक में लेट नाइन्टीज़ में जो हमारी यानी एल्कोहल की जो रिहेबलीटेन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ये इन्फ्यूज लगाई जाती हैं लगाई जाती हैं भी लगाई जाती थी भी टू प्योरीफाई द ब्लड टू क्लेंस द ब्लड और ये इनका बैकग्राउंड है जहाँ से इनका इन्फ्यूज़न शुरू हुआ और इसलिए इसमें कोई इतना डरने की या परेशान होने की बात नहीं है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है जो हमें लगाई जाएगी जिससे हमारी वाइटनिंग हो जाएगी तो आपका सिर्फ काम ये है कि आप डॉक्टर की सुपरविज़न में लगाएँ अच्छा ब्रांड चूज़ करें और जब आप एक वक्त में वाइटनिंग इंजेक्शन कर रहे हों तो उसके ऊपर आप अपना फोकस करें और उस कोर्स को कंप्लीट करें अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तो बाकी वाइटनिंग के जो और मज़ीद ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करूँगी